الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محكم كتاب الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم سورة بني إسرائيل کی تفسیر کے سلسلے کی 23 تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. سلسلہ تقریر میں وہ اہم ترین آیت بھی آ گئی سورہ بنی اسرائیل کی, جس کو غرر آیات سے اور معجزات قرآن سے قرار دیا گیا ہے. اسی آئے وافی دایا کا کل ذکر تھا اور ظاہر ہے کہ جس قدر علماء عامہ اختلاف کر سکتے تھے انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے, اور جیسا کہ کل عرض کر چکا کہ سب کا زور اسی بات پر ہے کہ یہ نامہ اعمال ہے, اور ہمارے پاس یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اجماع اہل بیت ہے. سات معصومین کی شہادت ہے کہ امام سے مطلوب وہی امام ہے کہ جس کے لیے حکم ابراہیم کو ملا تھا انی جاعلک للناس اماما. تو امامت ابراہیم یا ونرید سورہ قصص کی آیت ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا ونجعلہم ائمتا ونجعلہم الوارثین
हमने इरादा किया है कि जिनको ज़मीन में कमज़ोर समझा जा रहा है या कमज़ोर बनाया गया है, हम उनको इमाम बनाएं और वारिस बना दें। तो न इन्नी जाएलो का लिन्ना से इमामा में नाम आमाल आ सकता है, न इस तरह से وَنُرِيدُ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً مِنْ نَمَاءِ أَعْمَالٍ آ سکتا ہے اور جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ نَمَاءِ أَعْمَالٍ آ سکتا ہے اور اسی طرح وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, हमने तमाम चीज़ों को ऐसा करके इमाम मुबीन में रख दिया। तो इसमें भी नाम आमाल का तसव्वुर ही नहीं है। इस आयवा हिदाया की तफसीर के सिलसिले में बेअख्तियार, चूंकि कल गुफ्तगु यहीं तक थी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक रोज अमीरुल मोमिनीन और मेघदाद साथ जा रहे थे, अमीरुल मोमिनीन ने मेघदाद से बातें की और मेघदाद ने अमीरुल मोमिनीन से कुछ गुफ्तगू की। नजर मेघदाद की जमीन पे पड़ी तो देखा कि चूंटियों की कतारें हैं कि वो अपने काम में मसरूफ हैं, एक जगह से निकल रही हैं, एक जगह जा रही हैं। तो वे अख्तियार कहा कि सुभान मन यदद मन यालम अदद हाज़न नमल, सुभान मन यालम अदद हाज़न नमल, वो पाक व पाकीज़ा है जो चूंटियों की गिनती वो जानता है। तो इरशाद पर मेदाद, अगर कोई आदमी जानता हो तो मौला कैसे मुमकिन है इनकी गिनती का? नहीं, वो फकत ये नहीं जानता है कि ये कितनी है, ये भी जानता है कि कितने मुजक्कर हैं कितने मौनस हैं। उसने घबरा के कहा कि ये कौन हो सकता है? इरशाद है, वही हो सकता है जिसके लिए कुरान ने कहा वकुल्ल शय्यिन अहसयनाहु। तो अब यह तफसीर अमीरुल मोमिनीन की है, वकुल्ला शय्यिन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन, यह अमीरुल मोमिनीन की तफसीर है। इसको साहिब नूरुस सक़लैन ने बड़ी वजाहत से लिखा है। और इसके बाद कोई हमारी हद तक शक व शुबा बाकी नहीं रहता। आज की तकरीर में मैं जाहिर है कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप और हम सब थके हुए हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें, काम की बातें लाजिमा है कि आप तक पहुँचें। देखिए, एक अजीब मसला है आमतुल मुस्लिमीन में, उसका नाम ही उन्होंने रख दिया शआर मिल्लत। भाई ये क्या है? का ये शआर मिल्लत है, ये आपका तरीका क्या है? शआर मिल्लत है, यानी हमारे बाप दादा यही करते हुए आए। तो अब हमारे पास मसला ये है कि अगर वो शआर मिल्लत कुरान के खिलाफ जा रहा हो तो, अगर वो शआर मिल्लत हुक्म मासूम के खिलाफ जा रहा हो तो, अगर वो शआर मिल्लत हुक्म नबी की मुखालफत कर रहा हो तो वो काबिल कबूल कैसे है? तो काबिल कबूल कैसे? और दूसरे ये कि अगर बज़ाहिर मुखालफत नज़र भी ना आए, और अगर आप ये कहें कि ये शआर मिल्लत है, तो उसको हम उसी वक्त कबूल करेंगे जबकि वो शआर मिल्लत से गुजर के शआर मासूम बन जाए। यानी
हमको किसी काम पर आमादा करने या किसी काम से रोकने के लिए कोई शार मिल्लत का हवाला न दे, बल्कि हमको अगर किसी काम से रोकना हो कि यह गलत है और किसी काम पर आमादा करना हो कि यह सही है, तो यह कहो कि तुम्हारे इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद ने यह कहा, तुम्हारे इमाम मोहम्मद बाकर ने यह कहा, तुम्हारे इमाम अली इब्ने हुसैन ने यह कहा। हमारे आइम्मा को अगर पेश किया जाए, अगरचे एक ही हो, यह जरूरी नहीं है कि 6-7 इमाम की गवाही, एक इमाम की कोई सनद पेश कर दे, तो हमारे पास वो एक की सनद 14 की सनद। तो अब इस तरह से इस अहम तरीन मौजू पर जो कुछ अब तक लिखा गया, जो कुछ कहा गया, जितनी तसानीफ हैं, जितने तालीफ हैं, जितने नज्म व नसर के दफ्तर हैं, वो इतने जखीम हैं कि उनका कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इस एक मसले में क्या कुछ नहीं लिखा गया। मगर एक बात वो ये है कि फिर भी बदलते हुए हालात में और तरक्की पाते हुए ज़माने में हमेशा अक्ल एक ऐसा इस्तेदलाल चाहती है कि जिस इस्तेदलाल से दिल मुतमईन हो जाए। और मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि हम इस मंजिल पर भी थोड़ा सा कुछ क़दामत परस्त वाक़े हुए हैं, यानी हम इस मंजिल पर भी कुछ कंजर्वेटिव हैं, यानी कि अक्ल नए नए हालात को देख रही है, नए नए हालात में अक्ल अपने आप को घिरी हुई पाती है, इसलिए इस्तेदलाल भी नया हो तो हम इसमें क़दामत परस्त इसलिए हैं कि इस मौके पर भी हम इस बहस को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं कि ज़माना बदल गया इसलिए दलील भी नहीं लाइए, हम इसके कायल नहीं हैं, बल्कि हम इसी के कायल हैं कि ज़माना बदल जाए, ज़माना हज़ार करवटें ले ले, क़ुरान तो वही है ना, कुरान तो बदल नहीं सकता है कि ज़माना बदल गया है, कुरान बदल डालिए। और अब वो कुरान हकम है, कुरान फैसला, और फिर यही वो कुरान है कि ये कुरान का बाज की तफसील करे, इस कुरान का बाज को समझाए। एक जगह इमाम के मायना समझ में ना आए तो सारी उन आयतों को जमा कर लीजिए जिसमें लफ्ज इमाम आया है, उसके बाद अंदाजा कीजिए कि उसके क्या माना है। तो अजीब बात यह है कि दूसरी या तीसरी आसमानी वही थी कि यही बहस सामने आ गई। ये सूरह नून और कलम की बहस है, और सूरह नून और कलम कुरान मजीद का 68वां सूरह है, और ये वो सूरह है कि जिस पर मेरे और आपके मौला आका इमाम रिजा ने इस्तेदलाल किया। और इस इस्तेदलाल को उसूल काफी ने लिखा इस किताबुल हुज्जत में, इस इस्तेदलाल को मोहम्मद इब्ने बाबह कुम्मी ने अमाली में लिखा, और ये इस्तेदलाल अहम तरीन इस्तेदलाल है कि जहाँ इमाम रिजा ने खुतबा दिया है इमामत पर और इमामत की तफसील दी है कि इमामत से मुराद क्या है, इमामत का मकसद क्या है, इमामत क्यों अहम है, और यह मसाइल इस खुतबे में जेर बहस आए हैं।
اور اس کو جمع کیا محمد ابن یعقوب کلینی نے ان تمام حدیث کو جو امامت سے متعلق ہیں کتاب الحجت میں. کتاب الحجت کے متعلق میں کبھی عرض کر چکا ہوں, یہ ہمارے پاس کی تدوین کا عجیب و غریب معیار رہا ہے اصول کافی کا, جو اصول کافی سے پہلے اور اصول کافی کے بعد آج تک پھر کسی نے مضامین کی ایسی تدوین نہیں کی, اور نہ اس طرح سے مضامین کو اس طرح سے سجایا ہے کہ جیسے اصول کافی میں ان کو عناوین دیے گئے ہیں. یعنی کتاب کو شروع کیا ہے بحث عقل سے, کتاب العقل کو ختم کیا, پھر اس کے بعد فوراً وما یعقلها الا العالمون کتاب العلم کو شروع کیا کہ عقل سے کام نہیں لیا جا سکتا جب تک علم نہ ہو. تو کتاب العقل کو ختم کیا, کتاب العلم کو ختم کیا, جہاں عقل و علم ہے وہاں توحید ہے. اب اس کے بعد کتاب التوحید کو شروع کیا, جہاں کتاب التوحید کو ختم کیا, تو یہ بتلانے کے لیے کہ توحید سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ حجت سمجھ میں نہ آئے. اس کے بعد ایک دم کتاب الحجت کو آغاز کیا, اور کتاب الحجت کے آغاز میں پہلا چیپٹر کتاب الاستراره الی الحجت ہے, یعنی ساری دنیا کس طرح سے تڑپ رہی ہے حجت کے لیے, حجت تک پہنچنے کے لیے کیا استرار ہے, کیا بے چینی ہے, کس قدر مستر ہے عالم کہ کوئی ہمارا راہبر ہو, کوئی ہمارا ہادی ہو, کوئی ہم کو منزل تک پہنچانے والا ہو. یہ باب استراره الی الحجت ہے اصول کافی کا, اور اس کے بعد کتاب الحجت کا آغاز ہے جہاں تمام مسائل امامت کے زیر بحث آئے ہیں, اور وہاں علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وسلم ہے. اس سورہ نون و قلم سے بحث فرماتے ہیں کہ کیا دنیا سمجھ رہی ہے امامت کو, ہی ہا زلت العقول و طاحت العلوم, طاحت العلوم ان معرفت من معارف الامام, افسوس افسوس عقلیں گمراہ ہو گئیں اور صاحبان لب و لباب حیران نظر آ رہے ہیں اس مسئلے امامت میں, اس مسئلے امامت میں. درہ حالے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تم کیسی حکومت کرو گے, تم کیسا حکم چلاؤ گے, تم اپنے حکم کو کیسے نافذ کرو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیما تحکمون, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے ہم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے قیامت تک. ان لکم فیہا لما تحکمون, کہ تم جو چاہے حکم دیتے جاؤ اور ہم راضی ہوتے جائیں تمہارے حکم سے. اس آیت کی موجودگی میں پتا چلتا ہے کہ کوئی مقام حکم پر آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ مرضی معبود کا نمائندہ نہ ہو, جب تک کہ وہ مرضی معبود کا نمائندہ نہ ہو. اور یہ قرآن ہے کہ کیا تم سے ہم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ تم جو چاہو کہو اور ہم اس کو قبول کرتے جائیں, یہ نہیں ہوگا. اب ان المؤمنین کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا کہ مولا جب کبھی کسی مسئلے میں پریشانی ہوتی ہے, ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جواب دیتا ہے, دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ اس کے ضد پہ جواب دیتا ہے, تیسرے کے پاس جاتے ہیں وہ اس کے ضد پہ جواب دیتا ہے, آخر ہماری زندگی کیا ہو. آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی جانتا ہوں اس کو, میں بھی جانتا ہوں اس کو, میں جانتا ہوں کہ غلطی کیا ہے. غلطی کیا ہے؟ یاد فرمایا تردو علیہم قضیتم من تردو علی احد منہم قضیتم من قضایا فی الاحکام فیحکمو برائے, جب ان کے پاس ایک مسئلے کو لے جاتے ہیں احکام میں سے کسی مسئلے کو, تو وہ اپنے رائے سے فیصلہ کرتا ہے. وہ تردو تلک القضیتو بعینہا علی غیرہ, اور اس کے غیر کے پاس جب اسی مسئلے کو لے کے جاتے ہیں فَيَحْكُمُوا بِخِلَافِهِ, وہ پہلے کے خلاف دے رہا ہے فتویٰ. اور اس کے بعد ثُمَّ فَاجْتَمَعُ الْقُضَاةُ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ, تو اب اس کے بعد یہ سب قاضی جمع ہو گئے اس امام کے پاس کہ جس نے ان کو قاضی بنایا ہے. فَيُصَوِّبُ آرَاهُمْ جَمِيعًا, تو جس نے ان کو بنایا تھا نا قاضی, وہ کہتا ہے
कि भाई परेशान न हो, तुमने भी सही जवाब दिया, तुमने भी सही जवाब दिया, तुमने भी सही। पर यूसुफ वे वो आ रहा हम जमिया, सबकी वो तस्वीब करता है ते स्वात वाओ ये बे कि तुम सब सवाब पर हो, तुमने अपनी मेहनत की, तुमने इश्तिहा किया, ठीक है जो कुछ किया ठीक है। और इस हालत में ये हो रहा है वो इलाहुम वाहिद, वो नबी हम वाहिद, वो किताब हम वाहिद, इनका खुदा एक है, इनका नबी एक है, इनका कुरान एक है। अब अमीर मोमिनीन का इस्तेदलाल देखिए, ये इख्तलाफ कर रहे हैं जबकि खुदा एक है, नबी एक है, किताब एक है, मसले का जवाब कोई दे रहा है अपनी राय से, कोई दे रहा है उसके खिलाफ, कोई और दे रहा है अपनी मर्जी से, और फिर ये कह रहे हैं कि सब ठीक हैं, सब दुरुस्त हैं। तो आखिर ये क्या हो रहा है? इरशाद फरमाया इसकी पाँच सूरतें, पाँच सूरतें, अमीर मोमिनीन का इरशाद देखिए, इसकी पाँच सूरतें। अव्वल तो ये अफअमरहुमुल्लाहु बिलिख्तिलाफ फअताऊहु, क्या खुदा ने हुक्म दिया कि आपस में लड़ो और इसलिए ये उसकी इताअत कर रहे हैं? क्या खुदा ने ये हुक्म दिया है कि तुम इख्तलाफ करो और ये उसकी इताअत कर रहे हैं? अम नहाहुम अनहु फअसौहु, या ये कि खुदा ने इख्तलाफ से मना किया है और ये मासियत कर रहे हैं? दो सूरतें, पहले ये कि या खुदा ने हुक्म दिया कि खूब इख्तलाफ करो, ये इताअत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, या ये कि मना किया है इख्तलाफ से, ये मासियत कर रहे हैं, या ये कि अम अनज़लल्लाहु दीनन नाक़िसन फस्तआनहुम अला इत्मामिही, या ये कि खुदा ने दीन को नाक़िस नाजिल करके काजियों से कहा तुम मुकम्मल कर देना। तीसरी बात कि दीन को नाकिज नाजिल किया और इनसे कहा तुम कामिल कर देना। अम अंजलल्लाहु दीनन तामन व कसर रसूल अन तबलीग ही, या ये कि दीन को कामिल नाजिल किया, रसूल तबलीग ना कर सके। चौथी सूरत और पांचवीं सूरत वही बतलाई जिस पर बहस हो रही थी कि अम कानू शुरकाउ लहुम, क्या ये लोग अल्लाह के शरीकेकार हैं? ये फतवा देने वाले शरीक कार हैं कि अलैहिम अन यकूलू व अलैहिम अन यरजा, कि इनका काम है कहते जाएं, उसका काम है राजी होता जाए, कि जो चाहे ये कहें वो राजी हो जाए कि हाँ तुम मेरे शरीक कार हो, तुम फतवा देते जाओ, हम राजी होते जाए। अच्छा फरमाया दुनिया ने नहीं जाना, ये किताब वो है कि जिसके लिए कुरान ने अल्लाह ने कह दिया था कमाओ قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء, हमने किसी चीज को इस किताब में छोड़ा ही नहीं। और बाज़ाब्ता तौर पर इस कुरान की तारीफ मासूम ने यह की, जाहिर हूं अनीक बातिन हूं अमीक, जाहिर इसका दिलचस्प है, रगबत दिलाने वाला है, मगर बातिन की इसकी गहराइयों का पता किसको है, बातिन का कौन पता चला सकता है? तो आपने देखा पांच सूरतें आप हमेशा पाएंगे, जब कभी किसी मसाले को कहीं पेश किया जाए तो आप ये देखेंगे, एक तो अपनी राय से जवाब देंगे, और फिर अगर उनसे कहा जाए कि अल्लाह ने आपको इख्तलाफ का हुक्म दिया था कि आप उसकी इताअत कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको इख्तलाफ से रोका था, आप मासियत कर रहे हैं, या ये कि पैगंबर ने दीन को पूरी तरह पहुंचाया नहीं और दीन पूरा आया था, या ये कि दीन पूरा नहीं आया और अल्लाह ने मदद चाहिए आप लोगों से कि दीन को मुकम्मल कर दें, और पांचवी सूरत ये कि क्या आप शरीकेकार हैं अल्लाह के, कि आप जो चाहें कहें और वो कबूल करता जाए। तो यही सूरह नून व कलम की आयत है, अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामते इन्ना लकुम फीहे लमा तहकुमून, क्या तुमसे हमने कोई मुआहिदा कर रखा है क़ियामत तक कि तुम जो चाहे कहते जाओ, हम उसको कबूल करते जाएंगे? तो इस हालत में जबकि हुक्म फैसला क़ज़ा इतना एक मुश्किल अमर है कि जहां एक काजी के तायुन के मुतालिक अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि इतने गौर व फिक्र की जरूरत होती है कि कहीं फतवा खिलाफ मर्जी ना दे दे, तो पूरे कारोबार उम्मत को लेकर आगे बढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाला, और हर मंजिल पर
हिदायत करने वाला वो कैसा हो। इमाम रिजा फरमाते हैं उसको सूरह यूनुस ने साफ कर दिया। सूरह यूनुस ने वजाहत की कि देखो क्या तुम ये समझते हो कि जो हिदायत करता है या किसी की हिदायत कर रहा हो वो गुमराह भी रह सकता है। क्या तुम ये समझते हो कि जिसकी पैरवी की जाती है वो खुद रास्ता ढूंढता है। अल्लाहु यहदी लिल हक अफमन यहदी इलल हक अहक्को अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। क्या वो हिदायत करे जो हिदायत से वाकिफ हो या वो हिदायत करे कि जो हिदायत नहीं जानता खुद उसकी हिदायत की जा रही हो। याद रखना कि ये दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतें। एक तो ये है कि खुद हिदायत को ढूंढ रहा है और वो हिदायत कर रहा हो, ये गलत है। हिदायत याफ्ता हो, हिदायत याफ्ता हो, सारी दुनिया उसी मंजिल पर है कि परवरदिगार हमारी हिदायत कर, हमारी हिदायत कर। और वो लोग जो हिदायत याफ्ता हैं, वो लोग जो हिदायत याफ्ता हैं वो साहिबान नेमत हैं, वो साहिबान नेमत हैं। नेमत हिदायत है, हिदायत नेमत है। जिनको खुदा ये नेमत अता करे हम उन्हीं का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम उन्हीं का रास्ता ढूंढ रहे हैं जो साहिबान नेमत हैं। जाहिर है कि जब कभी जमाना मुनखजी हो जाए और एक साहिब नेमत हटे तो दूसरा उसकी जगह पर आए। इसलिए कि जमा का सेगा है अनअमता अलैहिम। खुद वजाहत कर दी कि एक नहीं है, बहुत से लोग कि जहां अनअमता अलैहिम जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया है वो फकत एक बंदा नहीं है कि उस एक के चले जाने के बाद अब फकत आप फतवे ही फतवे देते जाएं। नहीं, नुसूस जब तक मुकम्मल ना हो सिलसिला हिदायत बाकी रहेगा, नेमतों का सिलसिला बाकी रहेगा, साहिबान नेमत बाकी रहेंगे। और यही वजह है कि एक नेमत पाने वाले की जगह वही आए, वही आए जो खुद भी साहिब नेमत हो, साहिब नेमत हो। किसी और को इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस मकाम पे जाहिर है कि तकरीर का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। एक अजीब लतीफा है और वो लतीफा ये है कि एक हदीस आ गई कि पैगंबर ने यह कहा बेअय्युमुख्तदई तुम एहतदई तुम असाबी का नुजूम, मेरे असाब सितारे हैं, तुम जिसकी भी पैरवी कर लो नजात पा जाओ। अब इस हदीस पे कई तरह से नजर डाली गई, कई तरह से नज़र डाली गई और उलमा ने बड़ी कोशिश की यह बतलाने की कि यह हदीस मासूम से नहीं है, मरवी नहीं है, मासूम का कौल नहीं है। मगर आपको ताज्जुब होगा कि दरबार इमाम रशीद में उयून अवार रजा से रिवायत पढ़ रहा हूँ, मशहूर आलिम यहीब नाकतम ने कहा फरजंद रसूल आपका इस हदीस के मुताल्लिक क्या ख्याल है, असाबी का नुजूम यह मुख्तदई तुम एहतदई तुम। फरमाया सही है, सही है कि जिसकी भी पैरवी करो। कहा कि आपके पास तो एक तबका फिक्र ऐसा है जो इसको गलत कहता है। कहा मैं कह रहा हूं सही है, मासूम, ये मासूम का आना है। कहा फरजंद रसूल फिर, कहा फिर यही कि आपने खुद मेयार बतलाया असहाबी जो इस मेयार पे पूरा उतरे। जो इस मेयार पे पूरा उतरे जाहिर है। और फिर वहां ये नहीं बतलाया कि ये मसला इमामत का है कि अगर कोई किसी की पैरवी करना चाहे बेअय्युह मुख्तदई तुम एहतदई तुम कि तुम अगर पैरवी करो सलमान की, बूजर की, अम्मार की, मिगदाद की,
तो जाहिर रास्ता तो सीधा ही मिलेगा ना। क्यों? इस वास्ते कि इनमें वो वहदत फिक्र मौजूद है कि अगर ये हजारों तक भी इनकी नौबत पहुंच जाए तो एक दूसरे की जिद पर नहीं जाएगा। अब इसी मकाम पर एक चार मिसरे फारसी के हैं, मैं उसको समझाऊंगा भी, अगरचे कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता, मगर ये कि मेरे मजमून से इसका रब्त है। गालिब ने एक अजीब कता कह दिया, रस्मीस्त के बहरे जब्त आदाब रसूम, रसूम के आदाब की हिफाजत के लिए ये तरीका है कि खेजत बादस नबी इमाम मासूम, के नबी के बाद इमाम मासूम आए। आदाब दीन, आदाब ईमान, आदाब इरफान, आदाब मोहब्बत, आदाब मारिफत, बरस इनकी हिफाजत के लिए लाजिम है कि खेजत बादस नबी इमाम मासूम। उसके बाद दो मिसरे कहे, इजमात पुरसी अली बाज गराई, अगर अली के पास फिर वापिस हो रहा है तो फिर अब इजमा का सवाल क्या है? यह अजीब मिसरा है, अब अली के पास बाज गराई, अगर अली के पास वापिस लौट के आ रहा है तो खुद यह इजमा है। इजमा के मुतालिक क्या पूछ रहा है? उसके बाद चौथा मिसरा दिया, मह जाए नशीन मेहर बाशत न नुजूम, आफ्ताब की जगह चांद को लाओ, तारों को क्यों ला रहे हो? मह जाए नशीन मेहर बाशत न नुजूम, जा नशीनी का सवाल नहीं है, बेअय्यि मुक्तदई तुम इहतदई तुम में। गालिब ने उसको वादे किया कि तारों को जानशीन नहीं बनाया है, कहा कि हाँ अगर तुम चलना चाहो पैरवी करना चाहो, इस वास्ते वह बिन नज्म हुम यहतदून, कुरान मजीद की आयतें कि सितारों से रातों की तारीकी में रास्ते मिलते हैं, दरिया का सफर भी इसी तरह से तय होता है, हवाई जहाज के सफर भी इसी तरह से तय होते हैं, तारों को देख के सिमत को मुकर्रर किया जाता है। बहर सूरत बशर्ते के वहां सहाबियत मुसल्लम हो, सहाबियत मुसल्लम हो। अगर कोई अमीरुल मोमिनीन के सहाबा में से कुमायल के कदम ब कदम चले, कुमायल की जिंदगी को सामने रखे, का कुमायल कोई कहे मैं मैसम के रास्ते पे चलूंगा, कोई कहे मैं अम्मार यासिर के रास्ते पे चलूंगा, तो इसमें कबाहत क्या है? रास्ता तो सीधे जा रहा है। इख्तिलाफ बाहमी होता और अगर इनका मतलूब व महबूब अलग अलग होते, इनके मतलूब व महबूब अलग अलग होते तो रास्ते बदल जाते। इस मौके पर जब यहां तक गुफ्तगु छिड़ गई तो काम की बातें याद रखने के लिए यह भी कहा जाएगा कि इमामत के मसले पर जहां अकीदा रासिक हुआ वहां तो ठीक है, और अगर इमामत के मसले में किसी ने ठोकर खाई तो दो सूरतें होती हैं, या मुकस्सिर हो गया या नुसैरी हो गया। देखिए इतना नाजुक मसला है इमामत का, इमामत के मसले पे जिसने ठोकर खाई या रास्ते से हट गया, नासिबी हो गया या नुसैरी हो गया, यह सिरात मुस्तकीम है, तफरीत में नुकसान है, इफरात में नुकसान है। अब जाहिर है तफरीत को तो हम जानते हैं कि कितनी बातें की गई, क्या क्या गुफ्तगू हुई,
یہ آپ جانتے ہیں. اور افراد کا عالم, افراد کے عالم پر میں بحث کر نہیں سکتا, اس واسطے کہ نہ ان کے عقائد ہم کو معلوم ہیں نہ ان کی باتیں ہم کو معلوم ہیں, مگر وہ کہے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ عجیب جلووں کے ساتھ, عجیب تجلیوں کے ساتھ دیکھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں, نصیری یہ کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں نصیری منش انسانوں سے کہ اگر واقعی علی سب کچھ ہے اور اگر علی یہ کہے نماز پڑھو, اگر علی یہ کہے روزہ رکھو, اگر علی یہ کہے زکات دو, اگر علی یہ کہے عبادت کرو, تو پھر بات ماننی پڑے گی نا. جس کو سب کچھ سمجھ رہے ہو اس کے احکام کی بھی تو تعمیل کرو. یعنی یہ تو بڑی تکلیف ہو جائے گی کہ اس کو سب کچھ مانیں گے اور اس کے احکام کو رد کر دیں گے, اور تاویل پہ تاویل ہوگی, تاویل پہ تاویل ہوگی کہ اس نے خود نماز پڑھی, کہ یہ بھی اس کی بھی تاویل ہے, اس کی بھی تاویل ہے. یعنی وہ خود اپنی نماز پڑھتا تھا, خود اپنے لیے سجدہ کرتا تھا. آخر کوئی عقل کی بات نہیں ہے. تو وہی بات ہوئی کہ سارے معراج کا ذکر جہاں ختم ہوا اور پیغمبر پردے کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ گھبرا گئے, گھبرا گئے, اور ایسا معلوم ہے جیسے جلال طاری ہو رہا ہے, اور ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے کچھ حرکت محسوس ہوئی تو پیغمبر کے دل نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بے اختیار آواز آئی, ان رب کا یوسلی, تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے. ظاہر ہے میں اس حدیث کو پورے طور پہ نہیں پڑھ سکوں گا کہ نماز کس کی طرف سے پڑھ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس کی نماز ہو رہی ہے, تو ایک علیحدہ منزل ہے. تو آپ نے دیکھا یہ کتابوں میں ہے, ان رب کا یوسلی, آواز آئی کہ تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے, ٹھہر جاؤ. تو اگر اپنے آپ کو ان مزخرفات میں کوئی انسان مبتلا رکھے تو ظاہر ہے کہ حق تو نہیں ملے گا. حق کو ڈھونڈنے کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے, اور اعتدال وہی ہے جہاں عقیدے میں عدل ہے. جہاں عقیدے میں عدل ہے تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں غالب نے اپنے آپ کو نصیریت کا اعلان کر کے کہا کہ علی کو چونکہ سمجھنا مشکل ہے, جن لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا وہ رک گئے امامت کی منزل پر, جنہوں نے نہیں سمجھا وہ رک گئے امامت کی منزل پر, اور جنہوں نے کچھ جانا وہ آگے بڑھ گئے, اور کہا کہ یہ وہ منزل ہے کہ اللہ نے شمعی آتش شجر طور برفروخت, جو طور پہ تجلی ہوئی تھی اللہ نے اس تجلی کرنے والے شعلے سے ایک شمع روشن کی. شمعی ذ آتش شجر طور برفروخت انرا بخلوت علی اللہیاں نہاد, اور علی اللہیوں کے مکانات میں وہ شمع جلائی, وہ شمع جلائی, اور اس کے بعد کہا تم نے علی کو نہیں پہچانا, پروردگار ناطق عارفاں علی. پروردگار ناطق عارفاں علی, کز حرف حق بکام و دہن داستان ہا, جس نے حق کا اعلان کر کے زبان کو دہن کو دل کو حقیقت میں ایک ایسی داستان سے آگاہ کیا جس کو دنیا ظاہر میں دیکھے تو فسانہ ہے اور عارف باطن میں دیکھے تو حقیقت. پروردگار ناطق عارفاں علی, حرف حق بقوم و دہن داستان, ہنگامہ گرم سادے صفے واصلاں علی, ہنگامہ گرم سادے صفے واصلاں علی, کز نور خیش شمع
बबग में आया निहाओ, जिसने अपने नूर से आलम वजूद का रोशन किया है, जिसने अपने नूर से आलम वजूद का रोशन किया है वो अली है। हंगामा गर्म सादे सफे वासिला अली, कल नूर की शमा बज में आया निहार, अपने नूर से एक शमा जलाई है। जाहिर है वो मुगालिब के अकायद हैं, मैंने कहा ना कि वो इफ़रात की मंजिल है, हमको उनसे काम नहीं है, और ना कोई अल्लाह का बंदा कहीं रास्ते से हट जाए, डरता भी हूँ इस बात से कि है बड़ी नाजुक मंजिल, इसलिए कि बहुत से लोग बहुत से अदवार में हमेशा रास्ते से हट गए, कोई हाथों को देख के हट गया खैबर में, कोई पाँव को देख के। जिस ज़ात गिरामी ने हर दौर में हर असर में अपने आप को मरकज तकय्युल बनाया, मरकज फिक्र बनाया, मरकज इरफान बनाया, मरकज मोहब्बत बनाया, जाहिर है कि वहां मोहब्बत जब एतदाल में न रहे, मोहब्बत जहां एतदाल में न रहे, मोहब्बत की तारीफ आपको मालूम है, मोहब्बत की तारीफ क्या है हिकमत में, मोहब्बत की तारीफ है तकरार नजर, मोहब्बत है देखो फिर देखो फिर देखो, मोहब्बत मोहब्बत की तारीफ है तकरार नजर, यानी आंख ने एक मर्तबा देखा उछट गई आंख, अब खत्म हो गया नहीं, फिर मुड़ के देखा, फिर देखा, आपने देखा मोहब्बत तकरार नजर है। तो जहां तकरार नजर से इंसान गुजर के तकरार अमल हो कि दिन और रात उसी को पुकार रहे हैं, दिन और रात उसको पुकार रहे हैं, तो आकर इंसान के लिए परेशानी होती है, हैरानी होती है। आप तो ये समझते हैं कि हम एक मंजिल पर रख के और एक मंजिल पर मुअय्यन करके उनको पुकारते हैं, मगर दुनिया तो यही समझेगी कि दीवाने पुकार रहे हैं, दीवाने पुकार रहे हैं, रास्ते से हट गए हैं पुकार रहे हैं। इसी बात से एक मुस्तकिल झगड़ा खड़ा कर दिया कि ये लफ्ज़ या क्यों, लफ्ज़ या क्यों। तो बहरहाल अगर समझाया जाए और बतलाया जाए कि ऐसा नहीं है, कुरान मजीद में ज़ात वाजिब ने अपने आप को अली भी कहा है, हकीम भी कहा है, अपने को अली भी कहा है, अजीम भी कहा है, तो इस तरह से अली हकीम भी है, अली अजीज भी है, और अल्लाह के नामों में से एक अहम नाम है। इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलीय्युन हकीम, और उम्म किताब में हमारे नज़दीक अली साहिब हिकमत है। तो अगर यह खुदा का नाम है जैसा कि मुफस्सरीन ने कहा, तो जाहिर है कि इसमें अगर किसी मुअर्रिख ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी मुहद्दिस ने यह कहा कि अली का कुछ और नाम था, ये इन लोगों ने मोहब्बत में यह नाम रख दिया है, तो मैं उसको मानने को तैयार हूँ। यानी ये पहले तय कर लें, अबू तालिब ने कुछ और नाम रखा था, पैगंबर खुदा ने कुछ और नाम रखा था, ये पैगंबर साहिब वही ये नाम रखे, पैगंबर साहिब वही ये नाम रखे, और जब ये नाम रखा गया, जब ये नाम रखा गया, तो उसी वक्त भी इसका अंदाजा था कि जाहिर है और भी नाम थे दुनिया में, और भी नाम थे दुनिया में, इसी नाम को पसंद किया। जितने नाम और हैं मुश्तक हैं, इश्तिकाक है, हसन हुसैन फातिमा मोहम्मद, सब इश्तिकाक से बने, ये असल नाम आया, ये असल नाम आया। तो इस एतबार से अगर इंतहाई मोहब्बत के आलम में किसी ने या कह के आवाज दी यहां या जंग के मैदान में, तो अगर दिल को तसल्ली नहीं होती तो समझ लो खुदा को पुकार रहे हैं।
मैंने जहमत दी, मैं चाह रहा था कि चंद बातें आप तक पहुंच जाएं। एक काम की बात जो बड़ी अहम है वो ये कि इसको कभी ना भूलें कि मशहूर खुतबा है, मशहूर खुतबा है इमाम रजा का इमामत पर। और इस खुतबे का मशहूर हिस्सा है जहां आपने इमाम की तारीफ की है, फरमाया अल इमाम वाहिदो दहरे, इमाम अपने दहर में एक होता है। अल इमाम वाहिदो दहरे ही ला युदानी ही अहद, के कोई सी की मजाल नहीं है जो उसकी कुर्बत तमाम पे पहुंच सके या उसके दर्जे पे पहुंच सके या उसकी सतह पे पहुंच सके। नारे अल इमाम वाहिदो दहरे ही, इमाम अपने दहर में एक होता है, एक होता है। हो गई गुफ्तगू। अब जिस मंजिल पे आप देखें इमाम को एक पाए, खैबर में एक, खंदक में एक, उहद में एक, जमल में एक, सिफीन में एक, नहरवान में एक, मदाइन में एक, करबला में एक, शाम में एक, कोई है मुकाबिल पर? देखते जाइए कोई है मुकाबिल पर। खुसूसन करबला की मंजिल पर तो इमामत पूरी तरह से नकाब को उलट देती है। क्या पहचानो इमाम, पहचानो इमाम, या मुझे इमाम समझो या ये बातिल के लश्कर को इमाम बनो। और इस तरह से